एमपी के कथित पोषण आहार घोटाले पर सीएम शिवराज ने चुप्पी तोड़ दी है। विधानसभा में सीएम शिवराज ने इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने के प्रयास का आरोप कांग्रेस पर लगाया। सीएम ने कहा कि सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है, अगर सरकार अपनी बातों को सदन में रखना चाहती है तो विपक्ष को क्या परेशानी है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार की हक नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण घटना हो जाए जिसमें भ्रम फैलाया जा रहा हो तो वो अपनी बात रख सके? मुझे तो लगता था कि आप प्रशंसा करेंगे कि नहीं, आपने खुद होकर ये कदम उठाया है। उसके बजाय अगर कोई स्थिति है जिसपे भ्रम फैलाने के प्रयास हो गए और मैं उसको वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, उस पर दिक्कत क्या है? इस बीच विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम शिवराज ने अपनी बात सदन में रखी और साफ किया कि इस मामले में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज यही नहीं रुके, सदन से बाहर सीएम शिवराज कांग्रेस पर जमकर बरसे और आरोप लगाया कि जो भी गड़बड़ी हुई है वो कांग्रेस के शासनकाल की है। तो टेक होम राशन के परिवहन में ये वाहन स्कूटर मोटरसाइकिल कार और ऑटो रिक्शा जो उनके कार्यकाल के नंबर सहित मेरे पास, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। गुणवत्ता में जो टेक होम राशन अमानक स्तर का पाया गया था वो कांग्रेस के शासन काल का है, जिसका हमने 36 करोड़ रुपए पेमेंट रोका हुआ है। जितनी भी क्षमता से अधिक टेक होम राशन को उत्पादन से लेते अलग अलग विषय है वो इनके कार्यकाल के सबकी सभी तथ्यों की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर अंतिम कार्रवाई होगी। इसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने 2018 में यह तय किया था हम राशन की पोषण आहार की व्यवस्था को, टेक होम राशन की व्यवस्था को महिला स्व सहायता संघ के महासंघों को देंगे। 2018 में कैबिनेट का फैसला हुआ, 7 पोषण आहार संयंत्र बनाने का फैसला हमने किया, वो पोषण आहार संयंत्र बन भी गए, बीच में सरकार चली गई। तब कौन थे जिन्होंने वापिस इन पोषण आहार संयंत्रों को एमपी एग्रो के माध्यम से के नाम पर फिर ठेकेदारों को सौंपने का षड्यंत्र किया था? आखिर गौरी सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया और इन्हें कैबिनेट का फैसला करके एमपी एग्रो को सौंप भी दिया? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, हमने ये पोषण आहार संयंत्र फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंप दिया, वो इनको चलाए। और केवल इतने नहीं, शहरों में भी लगभग 200 ठेकेदार थे जो पका हुआ भोजन बना के सप्लाई करते, उसको भी वापस लेके उनसे हमने महिला स्व सहायता समूहों को लेके महिला सशक्तिकरण का काम। आपको बता दें कि एमपी में पोषण आहार की सप्लाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, कांग्रेस इसे बड़ा घोटाला बता रही है तो बीजेपी ये कह रही है कि जो भी गड़बड़ी हुई वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।